नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। खबर आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर से है, जहां मुबारकपुर के ग्राम चक सिकटी नयापुर में आज आयुक्त आजमगढ़ द्वारा गठित टीम द्वारा राबिया खातून कोटेदार के कोटे की जांच की गई। जांच के दौरान टीम को कोटे में कई तरह की अनियमितता पाई गई। टीम द्वारा लिखे रिपोर्ट में कोटेदार की दुकान पर रेट लिस्ट का न होना, जिला पूर्ति अधिकारी का बोर्ड पर मोबाइल नंबर न होना, गल्ला रखे गोदाम में दो दरवाजा का होना, आवंटित किए गए गल्ले में स्टॉक का अधिक होना आदि कर्तव्य को कि कुछ महीने पहले इंस्पेक्टर इंद्र सिंह यादव द्वारा जांच कर अपने सामने लोगों को गल्ला बटवाई थी, परंतु उसके बाद कोटेदार की अनियमितता बरकरार रही, जिसके फलस्वरूप ग्रामीणों की शिकायत पर आयुक्त खाद्य रसद विभाग द्वारा टीम गठित कर जांच कराई गई और आज भी टीम द्वारा रिपोर्ट में कई अनियमितता पाई गई। इसी क्रम में टीम ने कई लोगों का बयान भी लिया, जिसमें लोगों ने कोटेदार द्वारा लोगों को कम गल्ला दिए जाने की शिकायत की। आयुक्त आजमगढ़ द्वारा गठित टीम में सम्मिलित आनंद कुमार यादव, पूर्ति निरीक्षक आजमगढ़ संतोष कुमार यादव बलिया और कुमार सौरभ सिंह मौजूद थे। जिस तरीके से कि लोग गल्ले को लेकर परेशान हैं, और जैसे कि हम लोगों की जानकारी में कई बार इसके पहले इंदिरा सिंह यादव भी आई हुई थी, जांच वो अपने सामने की, उसके बाद प्राथमिक विद्यालय में गल्ला बंटवाया गया, उसके बाद भी सारा मैटर जहां का तहां पड़ा रह गया, तो आज के इस जांच में आपने क्या पाया सर? जाँच में बयान में तो अनियमितता दिखाई दे रही है जी, उसके स्टाक से भी अनियमितता दिखाई दे रही है। अच्छा, तो अब ये डिप्टी कमिश्नर फूड के पत्र पे टीम गठित की गई है जी, तो उस पर जांच हो रही है। अच्छा, एक इंस्पेक्टर साहब बलिया के हैं, एक मऊ के हैं जी, और मैं सखियाओं में भी 2 महीने पहले आया हूँ। अच्छा अच्छा, इसके पहले इंद्रासी मैडम जी, तो अनियमितता की जानकारी मुझे आते ही शुरू हुई थी। अच्छा, तो हम मौके पर आए थे यहाँ, तो उस दिन विक्रेता की दुकान बंद पाई गई, मौके पर कोई मिला नहीं। अच्छा, अंदर से औरतें खिड़की से बताई कि है नहीं। अच्छा, तो हम चले गए वापस। फिर दूसरे तीसरे दिन हमने प्रधान से बात किया जांच करने के लिए जी, तो हमें पता चला कि डीसी साहब के यहाँ से टीम गठित हुई है जांच के लिए जी, तो उसके बाद यही जांच हो रही है, जांच में अनियमितता पाई जा रही है, टोटल अनियमितता पाई जा रही है। अभी और बयान लेना है, इस पक्ष से शिकायतकर्ता के पक्ष का बयान हो गया है जी, अभी कोटेदार के पक्ष का भी बयान होगा। अच्छा जी, तो डीसी साहब को रिपोर्ट दे दी जाए, इसके बाद निर्णय लेने का काम होगा।